हेलो दोस्तों, मैं रेड स्टार, मेरा नाम बिरेन। आज आपको दिखाने जा रहे हैं न्यू ब्लॉक। जो न्यू ब्लॉक ऐसा है, न्यू ब्लॉक रहेगा। आज मेरे को जो दोस्त हो, जो मेरे सब्सक्राइबर, मेरे सारे व्यूअर्स है, कमेंट कर रखे हैं, उनको बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। बड़ी मस्त होगा, आपको देखना है कैसे। और ये कागज़ में मेरे को जितने सारे लोग कमेंट कर रखे हैं, कमेंट का अंदर सब कुछ है, ये आपको बताने जा रहा हूँ। कमेंट पे क्या लिखा है सब एक एक करके मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अच्छा लगे और लाइक या सब्सक्राइब जरूर कर देना, पास है एक बेल आइकन दबा देना, जिसके आगे से मेरा नोटिफिकेशन आपका पास पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं मेरे कमेंट। दोस्तों शुरू करते हैं मेरा जो कमेंट है। कमेंट ऐसा है, पहला कमेंट कर रखा है जितेंद्र दिल्ली से। दिल्ली से लिखा है कि रेड स्टार बिरेन, आप जो वीडियो डालते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप कहाँ के रहने वाला हो? जितेंद्र भाई, आपको नमस्कार। आपने मेरे को कमेंट अच्छा लिखे हैं, बहुत अच्छा लगा है, और आपको बात मान के बड़ी खुशी का बात है। और एक चीज़ है, मैं बताने जा रहा हूँ, मैं आपको फर्स्ट ब्लॉग में बताया था मैं कहाँ के हूँ, और लेकिन फिर भी बता देता हूँ, मैं एक्चुअली उड़ीसा से हूँ। मैं दिल्ली में रहता हूँ, ब्लॉग बुकर जो है दिल्ली का बनाता हूँ, गांव का भी बनाता हूँ। उड़ीसा से मेरा घर केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट है, आप जानते होंगे केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट, जितेंद्र भाई। चलिए अच्छा है, तो आपका वीडियो, मेरा वीडियो जो देख के आपने लाइक करे हैं, सब्सक्राइब करे हैं, बहुत अच्छा हुआ। चलिए और दूसरा कमेंट, दूसरा कमेंट लिखे हैं राजू भैया। राजू भैया लिखा है, क्या लिखा है, आपका कितना चैनल है राजू भैया, क्या बताओ। लोग तो कितने चैनल बना रखे कोई पता ही नहीं है, लेकिन मेरा जो है दो चैनल है, एक चैनल है रेड स्टार बिरेन, एक चैनल है दिल्ली स्टार गेमर। ये दो चैनल मैंने बना रखा हूँ, लेकिन एक चैनल जो है, मैं जो रेड स्टार बिरेन ना, थोड़ा सा इतना ये नहीं हुआ था, बेटा ने बोला कि और एक चैनल खोल दो, मैंने एक चैनल और भी एक खोल दिया। मेरे दो ही चैनल है राजू भैया, आपको नमस्कार। चलिए दूसरा कमेंट, प्रकाश। प्रकाश भैया बेंगलोर से मुझे कमेंट करके लिखे हैं, रेड स्टार बिरेन ससुराल घर से गुस्सा क्यों हुआ है। एक वीडियो था मेरा ससुराल घर का, जे कि ससुराल घर गया था, उसको मैंने, हमने नाटक टाइप का बनाए थे, ससुराल घर पे जाके थोड़ा काम धंधा कर रहे थे, ऐसे ही साला और मेरे बीवी और बेटा, ये मिलके, दोनों मिलके हमने सब इसने कराए थे, नाटक था उसे, कोई ये नहीं, अच्छा हुआ। चलिए प्रकाश भैया, आपको बहुत बहुत थैंक यू। चलिए चौथा नंबर कमेंट है। कमेंट तो सब लोग देते हैं, लेकिन जो सबसे पहले जिसका कमेंट आता है मेरे पास, मैं उसी कमेंट को मैंने अभी लिखा हूँ। सबको एक एक करके मैं बताएंगे, ऐसे नहीं कि किसी का नहीं बताएंगे, सबका आंसर देने वाला हूँ। और अभी चौथा नंबर में सबका कमेंट देने वाला हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, सना भाई कोई जान पहचान लग रहा है मुझे, क्योंकि ऐसे लिखा है, आपका मम्मी को क्या हुआ,
सना भाई आपको नमस्कार, बड़े हो छोटे हो नमस्कार हो। सना भाई ऐसा है, मेरा मम्मी का तबीयत अचानक ख़राब हो गया था, मैं गांव गया था, ख़राब हो गया था। उसको पास एक क्लिनिक था, वहां पे जाके मैंने एडमिट कराया था, लेकिन हॉस्पिटल इसलिए नहीं गया था, अगला दिन को मेरे को दिल्ली आना पड़ा। फिर मैं टिकट कर लिया था, थोड़े बहुत कुछ था और थोड़ा ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था, इसीलिए मेरे को मम्मी को हॉस्पिटल लेके गया था। अभी भगवान की कृपा से, आपका कृपा से, आप लोग का कृपा से मेरा मम्मी अभी ठीक हूँ, कोई ऐसे ज़्यादा तबियत नहीं था, ठीक। कभी भी सना भाई मेरे को आपका एड्रेस देना, मैं आपसे बहुत मिलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी के बारे में जो पूछा हूँ, मेरे ज़िंदगी में और कुछ है ही नहीं है, मेरे मम्मी और पापा। ज़रूर बताना आपका एड्रेस कमेंट पर। चलिए और एक कमेंट है, अनुष्का यूपी से, क्या बात है यार, मेरी वीडियो को भी लेडीज़ भी देखते हैं यार। चलिए क्या लिखे हैं आपको दिखाने वाला। भैया तुम्हारा चैनल इतना बढ़िया हुआ, क्यों ग्रो नहीं हो रहा? अनुष्का जी नमस्ते, छोटे हो बड़े हो नमस्ते। क्या कर सकता हूँ, हमारा हाथ तो कुछ नहीं है, आप लोग का हाथ पे है, आप लोग का कृपा रहेगा, आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो मैं आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया हो रहा है। आप बोलते हो कुछ ना कुछ गलती है, जिस बजाय में ग्रो नहीं हो रहा है। हम कोशिश करता हूँ, आप लोग ऐसे कमेंट देते रहना, मैं कोशिश करता हूँ 100% ग्रो कराएंगे। बहुत अच्छा कमेंट लिखे हैं, मैं इसके लिए आपको माफ़ी मांग रहा हूँ, आगे से मैं बहुत कोशिश करेंगे, क्यों ग्रो नहीं हो रहा। चलिए और एक कमेंट, चलिए और एक कमेंट दे रखे हैं तृप्ति जी, क्या कमेंट लिखे हैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो तो अच्छा लिखा है। चलिए और एक कमेंट है, तृप्ति जी लिखे हैं झारखंड से, आपने गाना गा रहे हो बहुत बढ़िया है, ब्लॉग क्यों बनाते हो? देखिए मैं सब कुछ डाल रखा हूँ, गाना भी डाल रखा हूँ, ब्लॉग भी डाल रखा हूँ, कॉमेडी भी डाल रखा हूँ, लेकिन जो अच्छा चल जाए वही करते रहेंगे। आपका बात तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन कोशिश करता हूँ जितना, गाना पे भी अच्छा हो जाए, गाना भी गाएंगे, इतना गाना बढ़िया नहीं हो रहा, थोड़े बहुत पहले गा रहा था, हम इतना सिंगर नहीं है, ब्लॉग तो बना देते, कोई भी आ रहा हम भी बना देते, बच्चे भी ब्लॉग बना देते, हम भी बनाते हैं, इतना ही कहूँगा। और आपका जो कमेंट में बहुत अच्छा लगा है तृप्ति जी, मेरी तरफ से आपको नमस्कार। चलिए सातवां नंबर जो कमेंट है, चलिए और एक कमेंट आपको दिखाता हूँ, मैं क्या बताऊँ, घर पे कुछ मियाँ बीवी का झगड़ा होता ही रहता है, कोई इतना टेंशन का बात नहीं है। एक दिन मैं ब्लॉग बना रहा था, हमारा मिसेस ने थोड़ा सा कुछ गुस्सा हो गया था, उसी दिन में मेरे घर पे कुछ सब्जी बना रहा था, ब्लॉग तरिया से मैं बना रहा था, उसी ने गुस्सा हो गया, गुस्सा पे मुझे कमेंट डाल रखा है, कभी जिंदगी में आपका वीडियो कभी ग्रो होगा ही नहीं है। मेरा मिसेस देखा है, ये सब भूल जाओ, जो मेरे को दुख दे के कभी तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऐसा होता है, बीवी का अभिशाप पड़ता है दोस्तों, जो बीवी, इसीलिए एक कमेंट आया था क्यों ग्रो नहीं हो रहा है, और बीवी लिखा है कभी तुम्हारा चैनल कभी ग्रो होगा ही नहीं, लेकिन आप लोग सपोर्ट करोगे तो बीवी को मैं
अलग तरह से अलग से रखेंगे, आप लोग को सहायता लेंगे, देखते हैं किसका बात सही होता है। आप लोग ज़रूर हेल्प करना और ज़रूर ये करना कि मेरा चैनल थोड़ा ग्रो हो जाए, मैं उसको थोड़ा देखा सकूँ कि देख ले। तूने बोला था, चैलेंज दिया था कि तेरा चैनल, तुम्हारा चैनल कभी आगे नहीं बढ़ेगा कि ग्रो नहीं होगा, कभी वायरल नहीं होगा। और आप लोग कोशिश करोगे, आप लोग सपोर्ट करोगे तो चैनल मेरा आगे बढ़ते रहेगा, मैं उसको देखाएंगे। देख, तूने मेरे को सपोर्ट नहीं करा, लेकिन मेरे दोस्त और मेरे व्यूअर, मेरे सब्सक्राइबर सब लोग मिल के मुझे सपोर्ट करे हैं और मेरा चैनल आगे बढ़ गया। मैं यहीं पे मेरा कमेंट रख रहा हूँ और मेरा वीडियो अच्छा लगे, आई होप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।